Welcome to my channel Mathsomatic. Makes Maths Easy. Today we will study Class 9 Chapter 2 Polynomials Exercise 2.1 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे polynomials के बारे में. देखिए ये polynomials क्या होता है. In previous classes we have studied several types of polynomials. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत टाइप का polynomials के बारे में पढ़ा था, जिसमें से मेरा था मोनोमियल्स. मोनोमियल्स हम लोग किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन विद वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, यानी कि 2x, 2x है मेरा एक टर्म. ठीक है, तो ये टर्म कैसे बना? ये टर्म बना मेरा एक नंबर से और एक वेरिएबल से, यानी कि मेरा जो भी मोनोमियल है उसमें एक नंबर है और एक वेरिएबल. ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा नंबर 2 बाइनोमियल. बाइनोमियल मतलब यहाँ पे है मेरा दो टर्म, एक्सप्रेशंस विद टू टर्म्स. यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हो गया 2x, सेकंड टर्म हो गया 5. जैसे यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 7y², सेकंड टर्म हो गया 2x, फर्स्ट टर्म हो गया 4z, सेकंड टर्म हो गया -5. कहीं भी मेरा जो एक्सप्रेशन है, अगर वो एक्सप्रेशन मेरा टू टर्म्स यानी कि दो टर्म से बनता है, उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल्स. सिमिलरली ऐसा एक्सप्रेशन जो मेरा थ्री टर्म्स यानी कि तीन टर्म्स मिला के बनता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल्स. जैसे यहाँ पे है मेरा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स है मेरा फर्स्ट टर्म, वाई है सेकेंड टर्म और जेड है थर्ड टर्म. यहाँ पे है 2a² फर्स्ट टर्म, 5a सेकेंड टर्म और 7 थर्ड टर्म. यहाँ पे एक्स वाई है फर्स्ट टर्म, एक्स है सेकेंड टर्म, 2y² है थर्ड टर्म. यहाँ पे थ्री टर्म्स था. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है नेक्स्ट. नेक्स्ट है मेरा कोएफिशिएंट. ये कोएफिशिएंट हम लोग किसे कहते हैं? ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट. दिए हुए पॉलिनोमियल्स का ईच टर्म यानी कि हर एक टर्म में मेरा कोएफिशिएंट होता है. यहाँ पे दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है एक कांस्टेंट नंबर. ठीक है, तो -x^3. तो यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x^3 क्या है? -1. ये है मेरा 4x², तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 4. कोएफिशिएंट ऑफ x^1 क्या है? 7. एंड कोएफिशिएंट ऑफ x^0 मेरा है -2. 2 के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 2 के साथ अगर कुछ नहीं है तो हम लोग इसको x^0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनी वेरिएबल टू द पावर 0 इज 1. हम लोग इसको कंसिडर करते हैं 1. किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसे हम लोग 1 कंसिडर करते हैं. इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हर टर्म में मेरा जो कांस्टेंट नंबर है, यानी कि दिया हुआ हर टर्म में मेरे पास जो नंबर है उसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट. जैसे ये ऊपर में था 2x, तो इस 2x में मेरा नंबर कौन सा था? 2. तो 2 हो गया है मेरा एक कोएफिशिएंट. ये है -2y, तो -2y में नंबर क्या है? -2. तो -2 हो गया है मेरा कोएफिशिएंट. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट. अब कहता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट नंबर इज एन एक्सप्रेशन व्हिच डज नॉट हैव एनी वेरिएबल्स अटैच्ड टू देम आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. जैसे दिए हुए एक्सप्रेशन में, यहाँ देखिए -x^3 +4x² +7x-2, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है. इस दिए हुए एक्सप्रेशन में ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें मेरा वेरिएबल नहीं है? देखिए 2 के साथ मेरा कोई वेरिएबल नहीं है. वही कह रहा है कि कांस्टेंट नंबर इज एन एक्सप्रेशन, ये मेरा एक एक्सप्रेशन में आता है विच डज नॉट हैव एनी वेरिएबल्स, जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होता, ना एक्स ना वाई ना जेड, इस टाइप का कोई वेरिएबल्स इसके साथ में नहीं होता है. अटैच टू देम आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, हम लोग उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. यानी कि दिया हुआ ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? 2. एग्जाम्पल, मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी क्या हो सकता है? 2, -5, 7, 4, 9, -6, -3, 8, यानी कि कोई भी नंबर.
कोई भी नंबर मेरा एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा जिसके साथ में मेरा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है मेरा द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल अगर मेरा जीरो हो तो उसे हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको हम लोग एक स्पेशल नाम दिए हैं जीरो को, जो है मेरा जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नोट। नंबर वन पॉइंट है नोट में, एनी एलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। दिया हुआ कोई भी एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म इज ए होल नंबर। जो मेरा टर्म होगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उस टर्म का जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट मेरा होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3y² + 5y। इस दिए हुए एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट ऑफ y क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ y है 2 और 1। एक्सपोनेंट का मतलब हो जाता है पावर ऑफ y। देखिए यहाँ पे y का पावर है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब y का पावर है 1। तो एक्सपोनेंट ऑफ y क्या हो गया? 2 और 1। तो यहाँ पे मेरा 2 और 1 दोनों ही एक होल नंबर होता है, इसलिए ये वाला मेरा एक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल देखिए, x³ - x²। तो एक्सपोनेंट ऑफ x क्या हो गया? यहाँ से एक्सपोनेंट ऑफ x हो गया है 3 और एक्सपोनेंट ऑफ x हो गया है मेरा 2। ये देखिए एक्सपोनेंट ऑफ x इज 3 और 2। तो 3 और 2 दोनों ही मेरा एक होल नंबर है, इसलिए ये वाला x³ - x²² भी मेरा हो गया है एक पॉलिनोमियल। अब देखिए नोट में पॉइंट नंबर 2 कहता है, एनी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल हुज एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म इज नॉट ए होल नंबर। कोई भी ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता जिसका जो एक्सपोनेंट है वो मेरा होल नंबर नहीं होता है। अगर मेरा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर है यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं होता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। देखिए ये है एग्जाम्पल दिया हुआ है x + x²-1। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है 1 और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है -1। एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1, -1। तो यहाँ पे 1 मेरा होल नंबर है लेकिन -1 मेरा होल नंबर नहीं है, -1 मेरा इंटीजर हो गया, इसलिए ये मेरा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए √x + 3। तो √x का मतलब हो गया x²(1/2) + 3। तो एक्सपोनेंट क्या हो गया? 1/2। तो यहाँ पे 1/2 मेरा होल नंबर होता है नहीं, इसलिए ये वाला मेरा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। √y + y², ये हो गया मेरा y³(1/3) + y²(2). तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ y हो गया है 1/3 और हो गया है 2, जिसमें से मेरा 1/3 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ओके, वेयर -1, 1/2, 1/3 आर नॉट ए होल नंबर। सो द एक्सप्रेशन x + x²(1), √x + 3, √y + y² आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ इफ ए पॉलिनोमियल हैज ओनली वन वेरिएबल। दिया हुआ पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ अगर एक वेरिएबल होगा देन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ px, qx, ry, su, वेयर x, y, u आर वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर मेरा वेरिएबल सिर्फ x है, यहाँ पर मेरा वेरिएबल x, x, x यानी कि मेरा वेरिएबल x ही है, यहाँ मेरा वेरिएबल है y, यहाँ मेरा वेरिएबल है u। तो एक एक्सप्रेशन में मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल इन वन एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p यानी कि कोई वेरिएबल ऐसे ले लिए p और ब्रैकेट में लिख दिए हम लोग उस वेरिएबल को यानी कि x जो मेरा एक्सप्रेशन में है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, q मतलब हो गया अपने मन से एक ले लिए हम लोग एक वेरिएबल q और ब्रैकेट के भीतर में वही वेरिएबल होगा जो मेरा एक्सप्रेशन में होगा, इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है मेरा, रिमेम्बर ए पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी पॉलिनोमियल में एन नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है, यानी कि जो टर्म होगा पॉलिनोमियल का वो अनलिमिटेड होगा। ओके, नंबर 2, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इन ए पॉलिनोमियल इज 0।
5y^6 - 4y^2 + 6. 6 इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, देयरफॉर डिग्री क्या हो गया इसका, डिग्री हो गया मेरा इसका जीरो। 6 मतलब क्या हो गया, 6 × y^0। तो यहाँ y क्यों लिए हैं, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसमें मेरा वेरिएबल क्या था, y, यहाँ पे y^6 था, यहाँ पर y^2 था, ये था मेरा 6। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 × y^0। तो एनी नंबर या फिर एनी वेरिएबल इसके पावर में जीरो आ जाए वो मेरा हो जाता है 1। इसलिए 6 × 1 हो गया 6, यानी कि ये 6 मेरा आ गया। तो इस 6 में मेरा जो y^0 है वो छुपा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग लिखे नहीं है या फिर हम लोग लिखते भी नहीं, वो हमेशा मेरा ऐसा छुपा रहेगा। इसलिए डिग्री ऑफ 6 हो जाता है मेरा 0। इसे हम लोग कहते हैं नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये जो कॉन्स्टेंट नंबर है ये 0 तो है नहीं, 6 है, लेकिन इसका जो डिग्री होगा वो हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। नीचे में दिया हुआ कुछ पॉलिनोमियल्स है उसका हमको डिग्री निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे होगा, ये है एग्जाम्पल 1। पहला जो पॉलिनोमियल है वो है x^5 - x^4 + 3। द हाइएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दिया हुआ जो मेरा पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल जो होगा और उस वेरिएबल का जो हाइएस्ट पावर होगा, यहाँ पे देखिए मेरा वेरिएबल कौन सा है, x मेरा वेरिएबल है, तो दिया हुआ पॉलिनोमियल में x का सबसे हाइएस्ट पावर कौन सा है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 पावर है, एक है 5 और एक है 4, तो 5 और 4 में हाइएस्ट कौन सा है, 5। तो ये हो गया है मेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x^5 - x^4 + 3 = 5। नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है मेरे पास पॉलिनोमियल 2 - y^2 - y^3 + 2y^8। यहाँ पे है y का पावर 2, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 8, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 8। देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया है मेरा 8। नंबर 3 देखिए, यहाँ पे है मेरा नंबर दिया हुआ 2, तो 2 के साथ तो कुछ है नहीं वेरिएबल। जहां कहीं भी अगर कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक हिडन वेरिएबल होगा और जिसका पावर होगा 0, यानी कि एनी वेरिएबल जिसका पावर 0 हो वो मेरा हो जाता है 1। तो ये मेरा हो गया था 1, तो ये हो जाता मेरा 2 × 1, यानी कि ये मेरा हो जाता 2, जो कि मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया है तो हमको पता चल जाना चाहिए कि मेरा यहाँ पे एक हिडन वेरिएबल है जिसका पावर है 0। देखिए मेरा आगे x^0, तो डिग्री क्या हो गया पॉलिनोमियल का, यहाँ पे x का पावर क्या है 0, तो मेरा डिग्री हो गया पॉलिनोमियल का 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि मेरा जो दिया हुआ एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर अगर 1 होता है तो ये मेरा हो जाता है एक लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए, 4x + 5, एक्स का पावर है 1, 2y - 6, वाई का पावर है 1, t + √2, टी का पावर है 1, 2x + 1, एक्स का पावर है 1। तो ये मेरा हो गया है पॉलिनोमियल जिसका पावर सिर्फ 1 है, यानी कि डिग्री है मेरा उसका 1। नेक्स्ट है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल यानी कि एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। तो ऐसा जो भी पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 2 होगा उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन होगा उस दिए हुए एक्सप्रेशन में मेरा जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो हो जाएगा मेरा 2, तो उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे मेरा जो दिया हुआ था एक्सप्रेशन उसका पावर क्या था, 2, तो ये हो गया है मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4y + y² दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2, तो 2 है तो क्या होगा, डिग्री 2 हो गया, मतलब ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ है 6 - y - y²
तो वाई स्क्वायर में क्या है 2, तो 2 है मेरा इसका हाईएस्ट डिग्री, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 5x + 4। यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, x का हाईएस्ट डिग्री है मेरा 2, तो ये हो गया है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये है मेरा ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a b c आर कॉन्स्टेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c। इस फॉर्मेट में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मेंशन करते हैं या फिर लिखते हैं। ओके, अब मेरे पास है नेक्स्ट टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, एनी पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री मेरा 3 हो उसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल देखिए 4x³, यानी कि x के पावर में 3 है, तो ये हो गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिए हुए वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर मेरा 3 हो, यानी कि डिग्री अगर मेरा 3 हो जाता है, तो वो हो जाएगा मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये देखिए 2x³ + 1, तो x का पावर क्या है 3, तो 3 मतलब क्या हो गया इसका डिग्री 3, ये हो गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5x³ + x², यहाँ तो x² भी है और x टू द पावर 3 भी है, तो क्या होगा, हम लोग को हमेशा वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको देखना है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, ये हो गया मेरा डिग्री 3, तो ये हो जाता है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ + 4x² + x + 7। तो हाईएस्ट पावर क्या है मेरा x का, x का हाईएस्ट पावर है 3, तो ये हो गया मेरा डिग्री 3, तो ये बन जाता है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ax³ + bx² + cx + d where a is not equal to 0 and a, b, c, d are constants. ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।